भाग्या सर, भाग्या जी, कोई बात नहीं, जाएगा किधर भाग के, गाड़ी में बैठा। राइट सर। बिल्कुल इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। देखो नगीन बेटे, इस किस्म की बातें नहीं सोचा करते, बुरी बात है। अबू, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा, ऐसा है कि मैं आसिफ से बात करता हूँ, आखिर मसला क्या है? नहीं नहीं अबू, मैं आपका इंतजार नहीं कर सकती, बस आपको नहीं पता इतना जालिम शख्स है, इसने कल एक कॉकरोच को इतनी बेदर्दी से मारा, क्यों परसों मेरी बिल्ली मर गई तो इनको बिल्कुल भी खौफ नहीं आया, और जब मैंने चीख मारी तो उल्टा मुझे डांटने लगे। अच्छा, ऐसा है कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, मैं और तुम्हारी अम्मी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, समझी? मैं फिर भी आऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। जॉन रैम्बो, माय नेम इज रैम्बो रैम्बो। हाय हाय, चांस मिल जाए ना तो सानू नहर वाले पो। यहाँ तो कोई सो रहा है? ओए, ये कमरा तो खा। अब भाई साहब,
नहीं वो इसकी तो सांस नहीं आ रही, अपना मैं कहा जाऊं, मैं किधर फंस गया। अगर एक कदम भी आगे उठाया तो तुम्हारा भेजा, दिमाग और गुदा सब उड़ जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी जान निकल गई। नाम तुमने अपना रैम्बो रखा हुआ है और मौत जैसी मामूली चीज से डरते हो, फिट्टे मुंह। सर जी ये मजाक ना कीजिएगा जी, दोबारा इससे मेरी जान भी जा सकती है जी। हमने सात समंदर पार जिंदगी गुजारी है, मौत से क्या डरना, जब जान जानी है तो किसी वक्त भी निकल सकती है। सर जी आपसे एक बात पूछूं जी। पूछो। ये कोई छोटी सी चीज है जैसे झाड़ू या डंडा, अगर आदमी के सिर में लग जाए तो क्या वो मर सकता है? कनपटी समझते हो? नहीं जी नहीं। कनपटी? अच्छा ये समझता हूँ। अगर इंसान की कनपटी पर रुई का गोला या कोई टेबल टेनिस का बॉल भी लग जाए तो जान जा सकती है। जान जा सकती है अपना जो झाड़ू लगने से भी? बिल्कुल जान जा सकती है। या अल्लाह सलाम जी, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? जी वो वालेकुम सलाम, वो मेरी गाड़ी है ना वो खराब हो गई है। मैंने उसे बहुत कोशिश की कि वो स्टार्ट हो जाए, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। मुझे लगता है गर्म हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आप प्लीज मेरी कोई हेल्प कीजिए ना। अरे बेगम साहिबा आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं अभी आदमी भेज देता हूँ, वो गाड़ी ठीक कर देगा या करवा देगा, आप आराम करें। लैला बेगम साहब आप कमरा दो। जी सर जी कमरा? जी जी। ठीक है मुझे कमरा तो नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आप एक आदमी को भिजवा के प्लीज मिस्त्री बुलवा दे। बेगम साहबा देखें गाड़ी ठीक होने में 3-4 घंटे लग सकते हैं, इतनी देर आ रहा। लैला तुम क्या कर रही हो, कमरा दो ना। देखिए लेकिन कुछ नहीं आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपका सामान देखा सारा? सामान को क्या करना है जी? देखे ना गाड़ी हो सकता है ठीक ना हो, तो कम से कम ये तो है ना, इतनी देर इतने गाड़ी ठीक नहीं होती तो कम से कम आप अपना माइंड मेकअप कर लें कि यहाँ मैं फिर घर जाना पसंद करूंगी जी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ मैं यही रुक जाती हूँ और आप मेरी गाड़ी ठीक कर लीजिए। मुदार ओ मुराद मुराद जी बेगम साहिबा को 12 नंबर कमरे में पहुंचे आके। अच्छा शाबाश। हाँ वो सामान नहीं है? सामान नहीं। अच्छा जी आए जी फिर। सर आए जी। इजी फील जी। हाँ जी ये मैं कंबल ठीक कर दूं? नहीं नहीं तुम जाओ मैं खुद ठीक कर लूंगी। अच्छा सर जी हो भी मैं सर नहीं हूँ मैं मैडम हूँ। अच्छा मैडम। अच्छा आप ये बताएं जी ये पुलिस वाले ऐसे ऐसे क्या करते हैं जी? मुझे क्या मालूम। अच्छा नहीं। अच्छा आपसे अंग्रेजी में एक बात पूछूं जी? तो मेरा सर मत कहो बस, तुम जाओ यहाँ से।
अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ? जल्दी करो, जल्दी पानी लेकर आओ। अच्छा जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, मियां पानी नहीं, अरके गुलाब मंगाइए। क्या मंगाइए? क्यों भाई, इस तरह तो इनका सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अरे भाई आप तो पीछे हटे ना, पीछे हटे। यानी आप मुझे कह रहे हैं जी? मुझे जिसकी सारी जिंदगी इसी तरह के केसों की इन्वेस्टिगेशन करने में गुजर गई। क्या इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन। मैं लुट सकता हूँ, हट नहीं सकता, मैं कट सकता हूँ, पिट नहीं सकता, क्या समझे? आप इधर हो, इधर आप इधर हो, अभी ठीक हो जाती हैं। ये देखें, ये वजह क्या हुई होगी? पता नहीं क्या हुआ? ये सब पता चल जाएगा। चलो। ये नकली है सर जी, हटें जी, क्या कर रहे हैं जी? मुझे होश में लाने दें, आप अपना उधर शुरू कीजिए। ये देखें, पानी डालो। ये देखें, आ रही है ना जी? आगे खोले, ये देखें, आंखें खोले, चले बताएं बताएं। ठहरें जी, हटें जी सर। ये लाश देखी है? इन आंखों ने लाश देखी है शमी साहब? अरे भाई कोई लाश वाश नहीं है वहां पे। बेगम साहबा, बेगम साहबा प्लीज, मेरा ख्याल आपको गलत फहमी हुई। मैंने अपनी आंखों से देखी है लाश वहां पे। लाश देखी है? उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। अरे आंखों से ही देखा करते हैं लाश। चलो चल के देख लेते हैं फिर दोबारा। आइए चलिए, आइए। मैंने तो जिंदगी में कभी लाश लाश देखी है? लाश देखी अच्छा है। अल्लाह तेरे सब। शोर मचा रखा था, लाश वाश कुछ भी नहीं है, बिलाव जी का शोर मचा दे। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो कल ही 5 रुपए की न्याज फकीरों में बांटूंगी। मैडम जी आप मुझे दे दें जी। फिर क्या हुआ? अभी तो हम आपका सारा कमरा चेक करके आ रहे हैं जी, अभी चेक करके आए जी, कुछ देर भी तो नहीं ना। अल्लाह ये जब आती है ऐसी खबरें लेके आती है। नहीं मैं सच कह रही हूँ, आप चले ना मेरे साथ, देखे ना मेरे कमरे को छाके। चले चले चले, चले, और आए आए Thank you.
कुछ भी नहीं याद, ये ढेरी सी पड़ी हुई है देखिए। भाई नीचे देखो इसके। हाँ देख, आप भी देख के तसल्ली कर लिया चित्रा, फिर हमें ना कहें। लैला उधर देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ। देखे ना यहाँ, बेगम साहिबा प्लीज अब आप देखभाल करके चीख मारिएगा प्लीज। हाँ। तसल्ली कर लीजिएगा कि कुछ है या नहीं है, अब सारा कुछ देख लिया। हाँ। आपके सामने और क्या, चीखों पे लगाया हुआ आपने खाना? नहीं जी नहीं, चीखों पे कहा, चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रही हैं और टिप वाला खाना भी खा लिया। वो मैनेजर क्यों नहीं आया? वो डर गया सर, वो अच्छा अच्छा चलो बस चलो, अब तसल्ली हो गई ना जी। चलिए चलिए प्लीज, चलो जी चलो चलो जी, देख ले फिर भी अच्छी तरह है ना, आ जाए, अब कुछ नहीं है यहाँ पे। मैडम चीख आ रही है। आपको चीखो फोबिया तो नहीं मिस? मैं मिसेस नगीन नासिर। ओह अच्छा अच्छा, वही वही। नहीं क्या बात है, आप कुछ परेशान परेशान सी नजर आती है, कहीं ससुराल ने खाने में कुछ खिला विला तो नहीं दिया? नहीं। तो लड़ाई तो नहीं हुई किसी से मेरा मतलब? नहीं। वो मैं आपसे, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कह रही हूँ, मेरे कमरे में लाश है। आप चले ना। ओहो, अंग्रेजी में एक लफ्ज का मतलब नहीं बता सकती, बस चीखे। तुम बस ज्यादा ही दलीलें। शमीम जान मेरा ख्याल है कि मैं इनके कमरे में एक चक्कर ना लगाऊं, देखो तो सही आखिर इनका मसला क्या है। हाँ, तुम बड़ी साइकोलॉजिस्ट हो ना। हाँ जाओ इनके कमरे में, बस तुम सड़ जाया करो मेरे सोशल वर्क पे। आए आए बहन चले। ऐसे बहुत से वाकयात मुझे शमीम सुनाया करते हैं, वो कोई नहीं होता, इंसान ऐसे में ये महसूस कर लेना कि जी मैं नहीं डर रहा, जो भी है आए मैं नहीं डर रहा, तो वो उसको डर नहीं लगता। हाँ। तो ये ऐसे मामूली बातें होती है इंसान। तो हाँ मिस्टर शमीज, मैं ये कह रहा। शमीज नहीं, शमीम। वही शमीज। तो मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल इसी तरह का केस एक दफा जब मैं शिकागो में कोप था। जी क्या मजाक कर रहे हैं जी, वो कोप में तो लोग लस्सी पीते हैं जी, शिकागो में कोप किधर से आ गया? और तुम चुप करो बेराए मुर्दार। जी तो मैं ये कर रहा था कि इसी तरह का केस वहां मेरे पास आया। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? एक औरत के शौहर की लाश गायब हो गई। आपको हमेशा शौहर की लाश मिलती है, आप अपनी कहानी में बीवी की लाश नहीं रख सकते? अब देखिए ना, मैं आपकी खातिर झूठ तो बोल नहीं सकता, अपना ईमान तो नहीं खराब कर सकता ना। सर तो क्या वो लाश गायब हो गई थी? अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। नहीं नहीं, वैसे सर जी फिर क्या हुआ जी? हुआ ना क्या था, जब मेरे पास वो केस आया तो मैंने इन्क्वेस्टिगेशन शुरू की। और इन्वेस्टिगेशन होता है जी, इन्क्वेस्टिगेशन क्या लफ्ज है ये? आपने इंक्वायरी का नाम सुना है? सुना है। ये इन्क्वेस्टिगेशन उसी से। तो उस औरत के शौहर की लाश गायब हो गई। आप बता सकती हैं मिस वो कहां गई? सर किसी ने दफना दी होगी। गलत। आप बता सकते हैं मिस्टर मैनेजर वो लाश कहां गई? जला दी होगी। हाँ तो दसा दी क्या? जी क्या जी, टिप में दे दी होगी बस। टिप? आप बताएं मिस्टर, मुझे नहीं पता, आप बताएं। चलें भाई, उस औरत के किचन में रखी हुई प्लेटें और फ्राई पैन बिल्कुल साफ सुथरे जैसे नए हों। अच्छा फिर? तो इससे क्या साबित होता है? क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि उस औरत ने अपने शौहर को पकाकर खा लिया और डकार भी नहीं मारी। चलो ये भी गई। भाई तुम लोग इससे देखो, मुझे तो अपनी बीवी की फिक्र हो गई है, वो पहले कम पागल थी जो एक और उसके साथ मिल गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इसमें मेरी एक शर्ट है जिसमें एक सिफारशी पर्ची रह गई है भाई। नहीं सर, मैं आपके कमरे से कोई कपड़े नहीं लेके आया। नहीं भाई, नहीं जी नहीं, इसमें कुछ नहीं है। कुमार है भाई जी। सर ये आप क्या कर रहे हैं जी? चोर पकड़ा गया। मैं सारी स्टोरी समझ गया हूँ। सर कौन सा चोर? ये वही लाश वाला मामला मालूम होता है। कौन सी लाश सर? जब मैं अमेरिका में कोप था तो शिकागो पुलिस को एक खतरनाक मुजरिम की तलाश थी, और वो मुजरिम जानते हो उस पुलिस को कैसे चकमा देकर भाग गया? नहीं जी नहीं। मैं तुम्हें बता दूं कि वो मुजरिम कैसे पुलिस को चकमा देकर भागा था। जी। वो एक लॉन्ड्री बॉक्स में छुप गया था। सर इसमें तो कुछ नहीं है जी। मैं तुम्हें बताता हूँ वो लॉन्ड्री बॉक्स में कैसे छुप गया था। जी। हटे हटे, हटे, हटे सर इसमें हटे। सर जी आ! शमी साहब, शमी साहब, क्या है क्या है? इस अरे बोलो भी, इसमें अरे यार बोल ना, इसमें वो लाश है। नहीं सर इसमें तो कपड़े हैं जी, ये देखो। हटो देखो, हटो हटो, किधर है लाश? इसमें कोई लाश नहीं है। हैं? लाश कहाँ गई? हैं? लाश कहाँ गई? मैंने तो अपनी आंखों से देखी थी। ये क्या बकवास है? इस किस्म की बेहुदा स्टोरियां चलाओगे ना तो मेरे गेस्ट हाउस में कुत्ते भी नहीं ठहरेंगे। हाँ जी सर, ये क्या बकवास है? पागल कर देते हो बेवकूफ आदमी कहीं के। कमाल है। और आप जाएं अपने कमरे में, जाकर आराम करें। पता नहीं किस किस्म के बेहुदा नावल पढ़ते रहते, केकड़े की मौत और पत्थरों चीख पुकार, पता नहीं क्या क्या। चले अपने कमरे में। कमाल है, आज बिल्कुल खबरदार। हेलो प्लीज, इस गेस्ट हाउस में जरूर कोई लाश। कैसी बात करती हैं आप? ये खाम खा, ये अजीब से, जब से ये खतून आई है मसले बन गया होगा यहाँ पे। किधर है मुजरिम? मुजरिम कैसा मुजरिम? अरे देखती नहीं, मैं खतून से बात कर रहा हूँ। तुम्हें चाचा खाम खा पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ खतून, आप बताइए किधर है मुजरिम? कैसा मुजरिम? हाँ अब हुई ना बात, देखे ना आपके मुंह से गुलफशानी हुई, कुछ मामला ठीक हुआ। भाई इसी तरह तफ्तीश होती, जब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो तफ्तीश किस तरह होगी? अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है? जी लैला। इंस्पेक्टर मजनू? मजनू नहीं सर, मजीद। ओए तुमको कार्य सरकार में बोलने को किसने कहा? बदतमीज, देखते नहीं अफसर बात कर रहा है। हाँ तो मैं आपसे ये कर, हश, आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, और आप
शादी शुदा है कि गैर शादी शुदा? ये 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 कैसी तफ्तीश है? कौन है ये? ये इस गेस्ट हाउस के मैनेजर है। अलग दिया? जी सर। इन्नू हथकड़ी ला के दे गड्डी च बिठा। ठीक सर जी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे मैनेजर को ले गए। कोई बात नहीं, आज से आप ही यहाँ की मैनेजर हैं। जी हाँ जी, मैं जो कहता हूँ। ये क्या हो रहा है सर? सर प्लीज। ये कौन है? ये इस गेस्ट हाउस के मालिक है। वाह जी वाह, आपके गेस्ट हाउस के बारे में रिपोर्ट है और आप बाहर टहल रहे हैं। जी क्या रिपोर्ट है? ओ मेरे भोले बादशाह, यहाँ कत्ल के केस की तफ्तीश हो रही है और आप पे इल्जाम है कि आपने उसको पढ़ा दी है। सर आप मेरी बात तो सुने ना। सर मैं आपसे बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? छोड़े आप, अगली बारी आपकी है। मेरी जी? हाँ जी। लेकिन क्यों? आप ये बताएं कि आपके होटल में आशाएं क्या क्या है। वो जी हम कमरा देते हैं, उसके साथ अटैच बाथ है और टीवी है, फ्रिज है, डाइनिंग हॉल है, हम खाना भी सर्व करते हैं। सर ये बताएं कि खाने में क्या देते हैं? क्या यही तो तफ्तीश होती है। खाओ भाई खाओ, तुम लोग तो खाओ, इंस्पेक्टर साहब तो तफ्तीश में लगे हैं। ठीक है ना? क्यों सर? हाँ ना? और नहीं यार, बस तुम लोग खाओ। ठीक है जी, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। मुकम्मल मुजरिम सिपाही का पिस्तौल छीन के भाग रहा था, मैंने जप्पी पाल उसको पकड़ लिया। ले बेटे दो बातें तो पक्की हो गई। वो कौन सी सर? मेरी प्रमोशन और तेरी मोतली। मैं कहता हूँ बाहर निकल, बाहर निकल है। रैम्बो, ओ रैम्बो, ओए, ओ तू नीचे घुसा हुआ क्या कर रहा है? ओ बाहर निकल। ओए, ओ तू कौन है भाई? ओ मुर्दार, ओ मुराद, ओए, ओए रैम्बो, ओ जल्दी और, ये तो मर गया, ओ मर गया, ओए मर गया, ओए, ओ उसको बुलाओ, रैम्बो, 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 आगे, ओ रैम्बो, ये तो मर गया, ओ तुम कहाँ जा रहे हो? ओ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं सर, वो क्यों जी? सर जी वो देखें, इस तरह तो गेस्ट हाउस की बदनामी होगी जी। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, इस तरह तो गेस्ट हाउस की अब इसका क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है इसे कहीं ले जाके छुपा देते। ओ नहीं नहीं सर जी, देखें जी इसको डीप फ्रीजर में डाल देते, मेरा मतलब है बाहर तो इसको कोई टिप में भी नहीं लेगा। अरे इसको उठाकर कैसे लेकर जाएंगे? सर जी ऐसा करते हैं, इसको सुदूक में बंद करके लेके जाते। ओ नहीं नहीं नहीं, वो जो किचन में पेटी नहीं पड़ी हुई, उसमें किचन वाली पेटी, वो उठा के ले आ तू। जा जा जा, किचन वाली पेटी। हां शाबाश, उसमें बंद करते और ले जाके दरिया में फेंक देते। Thank you.
सर जी दरिया के पास पहुंच के पंचर हो गई जी। सर जी अब क्या होगा जी? मेरा ख्याल है कि ऐसा करते हैं, इसको उठाने की कोशिश करते हैं, पैदल ही लेके चलते हैं। चलो 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 करो ना। कर रहे हैं। ओए पीछे ओ ईंट लगा, ईंट लगा लगा दिया। हेलो जी जी, मैं वेलकम गेस्ट हाउस का मालिक शमीम बोल रहा हूँ जी। जी सलाम अलैकुम, ज़रा मेरी बात। हाँ जी जी, थैंक यू। अस्सलाम अलैकुम सर। जी सर, जी 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 सर, जी सर वो रिसेप्शनिस्ट जी, जी हाँ जी वो लैला है सर जी। एग्जैक्टली जी जी, वो सर वो देखे ना, हमारे गेस्ट हाउस से पुलिस हमारे मैनेजर और एक गेस्ट को ले गई है सर। देखे ना सर, इस तरह तो हमारे गेस्ट हाउस की बड़ी बदनामी होती है ना सर। हाँ सर, बहुत हमें इसमें परेशानी। जी सर जी जी सर जी 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 बिल्कुल। आप मुझे फोन बैक करते हैं? ठीक है सर, ठीक है। Thank you.
अबू से कोई सलाम दुआ नहीं? क्या हाल है मेरे बेटे? मैं ठीक हूँ। कमाल कर दिया बेटे वैसे। बड़े साहब, ये पेटी कहाँ रख दे साहब? भाई कहाँ से लाए हो? अबू आपने पैसे पे थी? आपकी पिकअप में थी जी। हमारी पिकअप में जी? आपने तो नहीं रखवाई, खोले से। अच्छा, हमने कोई चीज नहीं रखी भाई ऐसी, खोले इसे जल्दी करो। पता नहीं कमबख्त आ कहां से गई, खोलो ना। मुझे मालूम है इसमें मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलो देखते हैं, देखते हैं क्या। वालेकुम सलाम। सर ये लड़कर आए हैं। अरे फिर ये कोई मुर्गे हैं जो लड़कर आएंगे। आपने तो हमारे सलाम का जवाब ही देना बंद कर। आपको यहाँ शमीम साहब से मिलना है। अरे मैं क्या जानूं शमीम शमूम को, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपसे मिलने के लिए आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब आप आपको जरूर DIG साहब ने भेजा होगा। भाई देखिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बंदे वापस आ गए वही काफी है। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप जरा अपना हाथ आगे करें। ये क्या हो रहा है? आपके ऊपर 302 का मुकदमा बन गया। लेकिन क्यों? जान बढ़ने की कोशिश ना करो लड़के, पुलिस को धोखा देते हो। तुम्हारे गेस्ट हाउस में एक बेगुनाह इंसान की लाश पड़ी हुई है। तुमने लाश को पिकअप में किया था। एक बेगम साहब ने इस लाश को पहचान लिया है। ये झूठ है बच्चू, मुकदमे की कार्रवाई पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरो। ये कत्ल मैंने किया है। क्या जुर्म मेरा है? इन्हें छोड़ दो, उन्हें फाड़ लो। ठीक चलो। सर ये तो निफा डाकू है। सर ये लाश निफा डाकू की है जिसकी गिरफ्तारी पर हुकूमत ने इनाम रखा था। कल पुलिस मुकाबले में गोली लगी है। लगता है सर ये कल पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर गेस्ट हाउस की जानिब भागा और वहां जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। वो क्या कह रहा है यार? मैं ठीक कह रहा हूं सर। ओए इनाम, भाई इनाम जिंदा गिरफ्तार करने पे है, मुर्दा पे नहीं। सर जी, सर वो निफा डाकू गिरफ्तार हो गया जी। हाँ जी, कैसे हो? ओ जनाब ये हुआ कि वो कलशनकोफ लेके मेरी तरफ आया, मैंने उसको देखा, उसने कलशनकोफ मेरी तरफ ताड़ी जनाब, मैंने फ्लाइंग किक मारी उसके ऊपर जनाब, उसको नीचे टा लिया और कलशनकोफ छीन ली। इस तरह जनाब मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, मगर सर वो तो मुर्दा है, इनाम तो जिंदा गिरफ्तार करने पर है ना जी। हाँ जी। अच्छा जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। ओए इनाम, ओए एक दिन तू मेरा 5 लाख रुपया खा गया, तू पर से इनाम पूछता है? ओ सरजी, ओ कितना इनाम है यार? यार 5 लाख। ओए गिरफ्तार करे नू। हेलो हेलो सर जी, सलाम अलैकुम। और जनाब नेफा फिर गिरफ्तार हो गया? हाँ जी, जिंदा पकड़ा जी। जी बिल्कुल जिंदा, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसे। है जी भाई जनाब, मैं क्या बताऊँ, कहानी कुछ इस तरह से है कि वो जंगल में भागा जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे,
जनाब कभी इधर कभी उधर कभी उधर जनाब मैंने आके जाकर उसको पकड़ा और उसको मैंने वहीं टाल लिया। मैंने कहा देखा कि वो मुर्दा है जनाब, उसने मुझे ऐसा चक्कर दिया और जनाब उसने पुलिस की आंखों में धूल डालने की कोशिश की। हाँ जी उनने जनाब ये मरने का बदबख्त ने ड्रामा रचाया। हाँ जी बिल्कुल है जी। हाँ जी और जनाब ये खबर जनाब अखबार के लिए सुर्खी होगी जनाब। बिल्कुल जनाब बहुत बहुत मुबारक जनाब मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम साहब। यार काटी? जी जनाब। क्या मतलब मुझसे पूछे बगैर एफ आई आर कैसे काटी? नहीं काटी जी। ऐसा करो कि एफ आई आर में लिखो। सर एक मिनट। जी सर। एफ आई आर में लिखो कि डीएसपी हमारे साथ था। डीएसपी हमारे साथ था? बल्कि नहीं, तुम लोग डीएसपी के साथ थे। हम लोग डीएसपी के साथ थे। डीएसपी साहब ने मुल्जिम को देखा? डीएसपी साहब ने मुल्जिम को देखा। छलांग लगाई है जी? छलांग लगाई। क्लाशनकोफ छीना और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। यार कितना झूठ बोल रहा है। हाँ जी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। सर इनाम हमारा हिस्सा भी होगा ना जी? वह गिरफ्तार किया हमने, इनाम होगा इसका। ये कौन है? चलता करें इसे। चले बाहर निकल। सलाम अलैकुम जी। ठहरो, चलो इधर खड़े हो। इसकी जरूरत पड़ सकती है, पुलिस मुकाबला है। हाँ जी आखिर मौके का गवाह भी चाहिए। हाँ इन्हीं में से लेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। मैं आईजी साहब से बात करता हूँ। ठीक है जनाब। आईजी साहब को मिलाओ। बात कीजिए। हेलो मैं डीएसपी हैबत खान बात कर रहा हूँ, आईजी साहब से मिलाए। जी हाँ जी वो एसपी साहब ऑफिस में नहीं है, बहुत जरूरी पैगाम देना है। हाँ प्लीज। जी जी मेहरबानी जी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। जी सर सर हमने नेफा डाकू को पकड़ लिया सर। और बेवकूफ वो तो पहले 3 थानों में पकड़ा जा चुका है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूं। सर फिर तो ये चौथा हो गया ना सर। जी सर सर। और बेवकूफ इन तीनों नेफों से हमने मुल्क में होने वाले तमाम छोटे बड़े जराइम का इतराफ करवा लिया है। तुम्हारे वाले नेफे के हिस्से में कोई जुर्म ही नहीं। सर तू है कौन? ओए सर जी मैं कुछ भी नहीं। तू नेफा डाकू नहीं है? नेफा? ओ नहीं जी, ओ नहीं मैं नहीं नेफा। पहले क्यों नहीं बकवास की? ओ जी और तू इधर क्या करने आया था? ओ जी पुलिस वालों से डर। ठीक है बच्चे। तू मुर्दा क्यों बना हुआ था? ओ जी डर और खौफ की वजह से। ओ जी सर जी और कल मैं फुटपाथ पर जा रहा सी, उत्थे पुलिस वाले ने गोलियां चलाईया ते मैं करवा गया। ओ जी पहले इसने के कोई बंदा मेरे नेड़े आउंदा ओ मैं अपना साह डक लेंदा सी जी, पुलिस दे डर तो। ओ जी ओ जी ये तेरी कमर से ओ जी खून कैसे निकल रहा था? ओ किथो जी
ओए आदम मनु कंडा चुप गया सी आओ तू तू इस्लामाबाद क्या करने आया था ओ जी मैं पुलिस से भर्ती होया सी ओ मेनू सारे कहंदे सी तू पुलिस से बड़ा कामयाब होना है आओ